तेज वर्तमान एक बड़ खबर आसी पहुंचुची जे बड़ खबर यह रही एएसआई अधीन ऐतिहस्थल बेआईन निर्माण हो सबुठ बड़ कथा जे यहा भीतर रही पुरीर श्रीमंदिर जहाँ को बिवाद लागी रही शेषर ही डॉक्यूमेंट स्पष्ट करुची जे परिक्रमा प्रकल्प ना जहाँ निर्माण चली बेआईन एथेरे आईन रो उल्लंघन कर सांघातिक तथ्य सामना को आसी एएसआई अधीन ऐतिहासिक स्थल जो रही ऐतिहस्थल गुड़िक सेगुड़िक बेआईन निर्माण कर सब बड़ कथा होती श्रीमंदिर पुरी भी रही जहाँ को बाद विवाद लग रही शेषे यही डॉक्यूमेंट ही स्पष्ट करुच्चे परिक्रमा प्रकल्प ना जहाँ निर्माण चली हूँ बेआईन एथेरे आईन रो खोलाखोली उल्लंघन कर संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आलोक प्रकृति में पूरा घटना कौन रही मंदाकिनी आप जानते परिक्रमा प्रकल्प आरंभ रु हिं कें रही बिवाद लागी रही है और राज्य सरकार बैकफुट्रे अच्छा सबुरी महलर गोटे दाबी उठुला जो प्रकल्प कार्य करास्तव में बेआईन कारण आपड़ जानते श्रीमंदिर मेघनाद पाती ठार 100 मीटर होषेधांचल निषेधांचल में एएसआई रिना अनुमति में कौन निर्माण किंवा खनन कार्य हो पार ना कि राज्य सरकार यह जबरदस्त निर्माण करते राज्य सरकार कहते एनएमआर एनओसी की राज्य सरकार अस्त्र करते कि एनएमआर एनओसी किसी दिन पूर्व स्पष्ट कला एनएमए कौन एनओसी देना कि आज जहां बड़ खबर आँची अणस्वीकृति निर्माण तालिकार परिक्रमा प्रकल्प रही अर्थात अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तालिकार परिक्रमा प्रकल्प रही जेहेतु 100 मीटर निषेधांचल मध्य कौन निर्माण को अनुमति ना एएसआई हाइकोर्ट में सत्यपाठ दाखल करें कौन प्रकार अनुमति देना तो से परिप्रेक्षी कह संपूर्ण रूपे बेआईन निर्माण चलती और आज जो दस्तावेज अर्गस हाथ लगी दस्तावेज प्रमाण करणस्वीकृति निर्माण तालिकार बर्तमान परिक्रमा प्रकल्प जोड़ी जाइए तेज बारंबार यह सबुरी महल में तीव्र विरोध करा तीव्र आंदोलन करा गत वरिष्ठ नेता विजय महापात्र शंकराचार्य को भेटी यह बेआईन कहते ऐतिह विचारक मैंने बेआईन भाव कहते कि राज्य सरकार समस्त नियम को दलईम खसी जो भाव में बेआईन निर्माण करते तहार आज गोटे बड़ गुमर खोली बड़ गुमर हूँ अणस्वीकृति निर्माण तालिकार बर्तमान परिक्रमा प्रकल्प रही जहां हूँ सबुठ बड़ खबर बर्तमान सबुरी महल दाबी हूँ जेहेतु बर्तमान देखु एनएमए एनएमए कौन प्रकार एनओसी देना हाइकोर्ट में सत्यपाठ एएसआई दाखल करें कौन प्रकार अनुमति देना एएसआई आज कही अणस्वीकृति निर्माण तालिकार परिक्रमा प्रकल्प रही सबुरी महलर जेहेतु विरोधाभास जारी रही सब डॉक्यूमेंट राज्य सरकार का विरोध रही तेणु तुरंत बेआईन प्रकल्प कार्य बंद करने को सबुरी महल दाबी होती किंतु राज्य सरकार जबरदस्त बेआईन निर्माण कार्य जारी कर जारी रखिंट जहां आईन को संपूर्ण आखिदार तेब आलोक जमी पूर्व राज्य सरकार कहते जहाँ किसी चली सबकि आईन अनुसार चली तेज बर्तमान जो डॉक्यूमेंट आसूची सामना को यह स्पष्ट करुच्चे परिक्रमा प्रकल्प ना जहाँ निर्माण चली बेआईन तेणु सबू महल रु बर्तमान प्रतिक्रिया कौन आसुची राज्य सरकार मंदाकिनी गोटे अस्त्र करते एनएमए नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जातीय कीर्तिराजि प्राधिकरण तरफ आमको एनओसी मिली और से ही आधार में आम निर्माण कार्य जारी रखी यह जिलापाल जिला प्रशासन कहते पुरी सांसद पिनाकी मिश्र कहते किंतु किसी दिन पूर्व एनएमए एनओसी एनएमए सीधा सड़क स्पष्ट कला आम कौन प्रकार परिक्रमा प्रकल्प पर एनओसी देना यह पूर्व हाइकोर्ट में एएसआई तरफ सत्यपाठ मंदाकिनी दर्शाई आम प्रकल्प पर कौन अनुमति देना तो मोटामोटी भाव में देखो सबुर सबुर दस्तावेज जितेबाला राज्य सरकार के विरोध में जाऊँच परिक्रमा प्रकल्प विरोध में जाऊँच किंतु तथा राज्य सरकार बेआईन निर्माण जारी रखिंट कितु यार भितर देखो जनों पर जड़े सपक्षवादी हूँ विपक्षवादी हूँ शंकराचार्य को भेटिंट शंकराचार्य सीधा सड़क क्षोभ प्रकाश कर तपभूमि को भोगभूमि में परिणत करान चेतावनी राज्य सरकार मार्ग प्रशस्त करने को राज्य सरकार जो भाई भाव में बेआईन भाव मठ मंदिर भांगे ता आद ग्रहणीय नुह कि मोटामोटी भाव में बेआईन निर्माण कार्य बर्तमान जारी रही आम बारंबार यही बेआईन कौन जेहेतु प्रत्येक कागज प्रत्येक दस्तावेज बर्तमान परिक्रमा प्रकल्प विरोध में जाऊँच एएसआई कड़ा नियम रही 100 मीटर प्रोहिबिटेड एरिया 100 मीटर निषेधांचल में आपड़ कौन निर्माण कार्य करेंगे ना कि राज्य सरकार एएसआई नियम को आखिटार कर एएसआई नियम को पादर दड़ीम खोजी जो भाव में 20-30 फुट गात कर श्रीमंदिर को विपद में पकई निश्चित भाव में सबुरी महल मंदाकिनी दाबी उठू आम जहां प्रतिक्रिया नहीं समस्त गोटे दाबी तुरंत बेआईन निर्माण बंद कराऊ जेहेतु जून मस 22 तारीख में मान्यवर हाइकोर्ट यार परवर्ती शुणी शुणे तो से ही पर्यंत जून मस 22 पर्यंत वास्तव में बेआईन निर्माण बंद कराऊ हाइकोर्ट में राय शुणे सारे जहां परवर्त पदक्षेप राज्य सरकार ने तेबे जमती आलोक आपण आलोचना करमि आप सूचना दौरान जहाँ आप प्रतिक्रिया नहीं थे सब महल से गोटे प्रतिक्रिया आसूचे
यथाशीघ्र बंद कराऊ कि प्रश्न उठू जदि राज्य सरकार से दाबी पूरण न करती तेज से आगामी पदक्षेप कौन रही कौन से अपडेट सूचना आसीपुर कि आलोक निश्चित देखो जगन्नाथ सेना गत दिन किसी दिन तले आप जानते सीबीआई ऑफिस जाइला और जेहेतु यह संपूर्ण बेआईन एवं जितेबाड़े राज्य सरकार तरफ पूरी सांसद कहले आम एनएमए एनओसी आधार में कार्य करुच्छे पूरी जिला प्रशासन कहला आम एनएमए एनओसी आधार में कार्य करनएमए सीधा सड़क कहला आम कौन प्रकार प्रकल्प अनुमति देना अर्थात राज्य सरकार जहां अस्त्र करते जो एनएमए एनओसी की राज्य सरकार अस्त्र करते मंदाकिनी से ही अस्त्र सीधा सड़क फेल मारा तेरे मोटामोटी भाव में जगन्नाथ सेना सीबीआई डिमांड कर वास्तव में यह घटना सीबीआई द्वारा कहीपर सीबीआई तदन कले वास्तव में यह द्वारा अनेक प्रशासनिक अधिकारी जो मैंने बेआईन निर्माण में संपुक्त अच्छा जो मैंने बेआईन निर्माण को प्रोत्साहन देते से टाटा संस्था हूँ कि ओबीसीसी हूँ जो अनभिज्ञ संस्था जो मान दायित्व रही जो मान काम होतुबंध ब्रिज निर्माण करने जदि श्रीमंदिर चतुष्पार्श्व को तीस रु चालीस फुट गात खोलेंगे निश्चित भाव जो सेवायत मैंने अभियोग करते श्रीमंदिर नाट मंडप बेहरण द्वार घंटी द्वार फाट रही निश्चित भाव यह गोटे प्रकार सत्यता प्रमाणित होती तेज मोटामोटी भाव में राज्य सरकार वर्तमान बेआईन निर्माण तुरंत निवृत्त रहा कथा और जेहेतु मान्यवर हाइकोर्ट को निकट में केस टी रही जून मस 22 तारीख में यार परवर्त शुणी रही तो जून मस 22 तारीख पर्यंत राज्य सरकार बेआईन निर्माण निवृत्त रुहतु सबुरी महल में दावी होती किंतु आलोक यार भितर आउ गोटे प्रश्न उठू जितेबाला डॉक्यूमेंट सामना को आसूँ डॉक्यूमेंट स्पष्ट चित्र गोटे आखि आगे रखुची तेज जिला प्रशासन एने कौन से प्रतिक्रिया आप हस्तगत हो कि देखो मैं बेन परिक्रमा मार्ग प्रकल्प संपर्क में आम जिते थर भी प्रशासनिक अधिकारी पचारिचु सेते थर प्रशासनिक अधिकारी गणमाध्यम को अभेड करछन्ती वर्तमान जो दस्तावेज अर्गस लगी एएसआई रो जो अणस्वीकृति निर्माण तालिका रे परिक्रमा प्रकल्प जोड़ी जेहेतु एएसआई अनुमति देना कारण आप जानते श्रीमंदिर मेघनाद पातिरी ठू 100 मीटर हूँ निषेधांचल प्रोहिबिटेड एरिया निषेधांचल कौन से निर्माण किंवा खनन कार्य हो पार ना कि जो भाई भाव में एएसआई बिना अनुमति में निर्माण कार्य खनन कार्य कराला निश्चित भाव में अणपर अणस्वीकृति निर्माण तालिकार तो परिक्रमा प्रकल्प जोड़ेगा कितु ना राज्य सरकार तरफ स्पष्टीकरण मिलू ना जिला प्रशासन तरफ यह कौन उत्तर रखुं कि सबुरी महल में आम गोटे कथा कहीपर बेआईन निर्माण त्वरान्वित भाग में आगे चलू युद्धकालन भितर आगे चलू पंदा कि ग्राउंड रू कौन प्रतिक्रिया आसूच आलोक निश्चित ग्राउंड रू प्रतिक्रिया सेवायतों ठू आरंभ कर जो पुरी जो विरोध करें कहीपर जगन्नाथ सेना हूँ किंवा किसी ज्योतिर्विद हूँ कि पुरीर किसी बुद्धिजीवी हूँ सेना गोटे प्रतिक्रिया रोचे जेहेतु सबकि बेआईन श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प प्रत्येक प्रसंग राज्य सरकार विरोध में रोचे प्रत्येक दस्तावेज राज्य सरकार विरोध में रोचे तेणु निर्माण कार्य तुरंत बंद कर प्रतिक्रिया आसह जेहेतु जून मस 22 तारीख में मान्यवर हाइकोर्ट यार परवर्त शुणा करेंगे परवर्त शुणा ना पर्यंत हाइकोर्ट को राय न आसा पर्यंत तुरंत यह प्रकल्प को बंद करने को ग्राउंड रू जहाँ प्रतिक्रिया मंदाकिनी आसू निहाती भाव में ग्राउंड रू प्रतिक्रिया आसूच आलोक आशुतोष जे तुरंत यही काम को बंद कराऊ समस्ते से ही गोटे दाबी रखुं जेहेतु आगामी दिन में शुणा रही हाइकोर्ट तरफ से वर्तमान से ही गोटे ग्राउंड रू प्रतिक्रिया आसूच जे शुणी जेहेतु वर्तमान होना तेणु शुणा आगको तो हम कि वर्तमान अंततः पक्षे काम को बंद रखा जाओ यहाँ प्रतिक्रिया आसूच आलोक आम सहित रही था आप जहाँ वर्तमान सब बड़ सूचना रही एएसआई अधीन ऐतिह्य स्थल बेआईन निर्माण कर सब बड़ कथा यार भितर रही पुरीर श्रीमंदिर जहाक नहीं बाद बिवाद लग रही तेब संपर्क अधिक आलोचना करने आम सहित तो जोड़ी होती वर्तमान फोन लाइन रे ऐतिह्य गवेषक दीपक नायक आम सहित तो जोड़ी श्रीजुक्त नायक आपको प्रथम आलोचना को स्वागत करुच्चे किंतु वर्तमान देखूँ जो डॉक्यूमेंट वर्तमान आसी पहुँचुची एएसआई अधीन ऐतिह्यस्थल निर्माण जो करा बेआईन यही डॉक्यूमेंट स्पष्ट करुच्चे परिक्रमा प्रकल्प नारे जहाँ निर्माण चली बेआईन यही घटना को वर्तमान आप केमी रिएक्शन देवा कौन प्रतिक्रिया रखिए कौन रहा प्रथम प्रतिक्रिया अज्ञा नमस्कार अज्ञा आम ये जिन आगु ही आगे कही आसलु जे से स्थान में जहाँ भी मानने खनन होगा विदाउट कौन मानने प्रायर परमिशन तो ये सही हो तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपसे देखनी कि आप देखुंतर आम देखु लिस्ट रे भी पूरी श्रीमंदिर ना अच्छी अन्य विभिन्न एस आई अंडरटेकन सैट सहित पूरी श्रीमंदिर भी ना अच्छी तो जहाँ भी होगी
निर्दिष्ट भाव दावी कौन रखे श्रीजुक्त नायक ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ମାନେ ସେ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ମାନେ ତ ମାନେ କଣ ଆମର ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଦାବି ଆମେ କଣ ଆଉ ଆମେ କଣ କରିପାରିବ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ପ୍ରକରଣରେ ଆମେ ମୂଳରୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଏଠି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯଦି ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଏଥିରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଁ ବି ଲେଖାଯାଇଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ଇଗୋରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ସେ ଇଗୋଟାକୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତାଠାରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଠିକ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ମାନେ ତାର ବେସ୍ ନାହିଁ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଲେ ହବନି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେବା ଦରକାର ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ମ୍ୟାଡମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଯେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହାରି ଭିତରେ ରହିଛି ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ଶେଷରେ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଯାହା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ତାହା ହେଉଛି ବେଆଇନ ଏଥିରେ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରତିବାଦ ଆସୁଛି ବା ଚାରିଆଡ଼ୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେହି ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି ଯେ ଏ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହାରି ଭିତରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଁ ବି ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏତେ ବାଦବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ଶେଷରେ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଯାହା କିଛି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ତାହା ହେଉଛି ବେଆଇନ ଏଥିରେ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି।